सजा मिलेगी। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां विधायक के आवास से कुछ ही दूर में बम का धमाका हुआ है। इस पर एक बच्ची भी घायल हुई है और कई मकानों की खिड़की और दरवाजे भी टूट गए। जी, ये वारदात जो है वो फारुखाबाद जिले में हुआ है और यहां पर एक बम धमाका हुआ है। विधायक हैं, सदर के विधायक हैं मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, उनके आवास से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही ये धमाका हुआ है और उसके बाद काफी तेज, यहाँ पर सुबह 7:50 पर यह बम धमाका हुआ। काफी तेज वहां पर आवाज आई, उसके बाद हर पूरे मोहल्ले की अगर बात करें तो काफी दहशत है वहां पे। कई ऐसे घर हैं जिनके शीशे टूट चुके हैं और अगर बात की जाए तो कई घरों की टाइल्स भी उखड़ गई हैं। और वहीं जिस जगह पर यह धमाका हुआ है उस वहां से एक बिजली के तार पर वहां पर एक लाल बैग टंगा हुआ मिला, जो कहा जा रहा है कि बम जब फटा उसके बाद वो बैग, जो बैग था वो उछल कर वहां पर पहुंच गया। और उसके बाद जब वो बैग वहां पर मिला तो एक महिला ने, जो वहां की थी, उन महिला ने बताया कि सुबह जब वो 5 बजे घर से निकली थी मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उस वक्त वही बैग सड़क के किनारे पर मिला था, दिखा था उन्हें। उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने जब उस बैग वो जगह जाकर देखी कि जहां पर बैग रखा हुआ था, उस जगह पर सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है। तो माना जा रहा है कि उसी जगह पर ये बम धमाका हुआ। उसके बाद दूर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी, उसके बाद खिड़की दरवाजे वहां पर टूट गए और खिड़कियों के शीशा टूटने से एक बच्ची को भी उसका शीशा जो है वो लग गया है। उसकी हालत यहां पर फिलहाल तो खतरे से बाहर है और वो घायल बताई जा रही है, उसे अस्पताल वहां पर भर्ती करा दिया गया है। और पुलिस इस पूरे मामले की यहां पर फिलहाल जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि पता लगाया जा सके कि किस तरीके से बम धमाका हुआ है और क्यों।